हेल्पर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। जीवन की समस्याएं और शरीर की परेशानी अक्सर लोगों को प्रभावित करती है, परेशान करती है, परिवारों को परेशान किया करती है। लेकिन देखिए, कई समस्याएं ऐसी होती है जिसके बारे में हम जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कि जानकारी से दूर रहने की वजह से और जागरूकता की कमी की वजह से ज्यादा बढ़ती जाती है, या फिर यूं कह लीजिए हमें ज्यादा परेशान करती है। इन्हीं में से एक बीमारी है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जब भी हम सुनते हैं तो अक्सर मन में आता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस की स्थिति या बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति को संभवतः हाइपरटेंशन कहते होंगे, क्योंकि समझ में एक बार से वही आता है। लेकिन हाइपरटेंशन वाकई में दिल तक खून पहुंचाना और जिस स्पीड में ये काम होता है, जिसे रक्तचाप कहा जाता है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो कि अगर एक बार शरीर में घर कर गई तो उसके बाद कई सारी बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाती है। लेकिन हाइपरटेंशन क्यों होता है, इससे बचाव के कारण आप क्या तरीके हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, बचा कैसे जा सकता है या फिर कम कैसे किया जा सकता है, तमाम सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर बात करना जरूरी है। और इसी के लिए हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है, जिनसे आपको बारी बारी से रूबरू करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विवेक माथुर, ये है कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर लवदीप डोगरा भी मौजूद हैं, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर से। लवदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल सिंगल भी, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक इलेक्ट्रोसाइकोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से। सर आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश जिंदल भी, आप हैं डायरेक्टर एंड सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड श्रीजी हॉस्पिटल से। आप सभी इसी दिशा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन होगा ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, खासतौर पर उन दर्शकों के लिए जो इस हाइपरटेंशन की बीमारी से परेशान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले सवाल डॉक्टर विवेक माथुर जी के साथ। सर सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि हाइपरटेंशन ये जिंदगी में सभी ने सुना है और एक बार का जो थॉट है इस वर्ड को सुनकर वो यही आता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की स्थिति या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थिति। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, दर्शकों को बताएं आप कि हाइपरटेंशन वाकई में है क्या और ये होता कैसे है। देखिए हाइपरटेंशन का डेफिनेटली हम लोगों ने सबने वर्ड सुना होगा और ब्लड प्रेशर का मतलब है उच्च रक्तचाप। ये शरीर का एक विकार है जिसे सामान्य स्थिति नहीं माना जाता। रक्तचाप बेसिकली हमारी बॉडी में जब हार्ट पंप करता है तो कोशिकाओं में दबाव महसूस करते हैं और जो कोशिकाओं में दबाव होता है उसे ब्लड प्रेशर के रूप में नापा जाता है जी, से स्पेक्ट्रोमैनोमीटर के द्वारा, या जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डिवाइस होती है बीपी इंस्ट्रूमेंट, उसके द्वारा नापा जाता है। सामान्यतः ये एक जो मापदंड है उनकी अगर नॉर्मल लेवल्स में वैल्यूज में रहेगा तो हमें उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। बट ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से मनुष्य का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने लग जाए तो उसे दिक्कत आती है और एक शरीर के विकार के रूप में देखा जाता है। जैसे ब्लड शुगर अगर बढ़ी भी रहे तो उसे विकार के रूप में देखा जाता है, तो उसी तरह से ब्लड प्रेशर यदि बढ़ा हुआ रहे अगर कुछ समय के लिए बढ़ जाए तो उसमें कोई परेशानी नहीं। जैसे आप भाग के आए, सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, या कोई गुस्सा कर रहे हैं, या कोई एक्सरसाइज करके इमीडिएटली बाद अपना ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, तो वो एक शरीर की जरूरत है। लेकिन सामान्य स्थिति में जब आराम से आप किसी भी ऐसी अपूर्व स्थिति में नहीं है, अगर उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो एक सामान्य तौर पर एक विकार के रूप में देखा जाएगा और उसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और उसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं क्योंकि हर एक डॉक्टर जब इस चीज़ का जिक्र करता है और बड़े लोग बुजुर्ग इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आपको लंबा जीना है बल्कि स्वस्थ रहने के लिए, तो कारण कहीं ना कहीं इसके एक ख़राब लाइफस्टाइल से ही जुड़े होते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन क्यों होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर विवेक? देखिए ये इम्पोर्टेंट है जानना कि पहली बात तो ये है कि नो योर नंबर्स, यानी WHO ने हमें कहा है कि हम सभी लोगों को अपना ब्लड प्रेशर एक बार जरूर चेक कराना चाहिए जी। हम 20 साल से ऊपर है, पहला तो इम्पोर्टेंट बात है कि नो योर नंबर्स, क्योंकि ये साइलेंट बीमारी है, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है कि आपको ब्लड प्रेशर कब से बढ़ा हुआ है और कैसे बढ़ा हुआ है। एक बार अपना ब्लड प्रेशर चाहे डिवाइस से देखें, डॉक्टर के पास जाके देखें, तो वो इम्पोर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर नापना और उसे एक बार दर्ज कराना। अब कारण के बारे में यदि हम बात करें तो ये शरीर का विकार है। हमें जैसे कि विज्ञान ने हमें बताया है कि जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं हमारी आर्टरीज जो हमारी कोशिकाएं हैं वो इनइलास्टिक हो जाती है और थोड़ा ब्लड प्रेशर सामान्य तौर पर उम्र के साथ भी बढ़ता है, एक कारण तो यह भी होता है। दूसरा नंबर यह है कि जो शरीर के इंटरनल सिस्टम्स हैं उनके कारण भी बीमारियों की वजह से भी यह ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बीमारी के रूप में यदि देखा जाए तो थायराइड की, ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन बीमारियां, प्रेगनेंसी के समय
एक्लेम्सिया भी, एक्लेम्सिया वाली जो सिचुएशंस होती हैं, जो मेंटल जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उस दौरान, हार्ट की बीमारियों में, किडनी की बीमारियों में, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे इस पे शरीर पे पड़ता है। और हम ये ब्लड प्रेशर जो है इसको हम बढ़ा लेते हैं, संतुलित आहार नहीं लेते हैं, व्यायाम कम करते हैं, वजन बढ़ने देते हैं, स्ट्रेसफुल सराउंडिंग्स में रहते हैं, रिलैक्सेशन सही नहीं रखते, स्लीप आवर्स यानी निद्रा का भी अपना पूरा समय नहीं देते हैं, रिलैक्स नहीं रहते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर बड़ा रहता है, प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटीज जैसे परफेक्शनिस्ट रहते हैं, वो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना हो जाता है कि जब आपको इनिशियली आपके बॉडी में कुछ चेंजेस जो आपने बताए वो अगर लग रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। लेकिन कई बार आपने भी ऐसे केसेस अमूमन रोज़ाना देखे होंगे जिसमें मरीज़ ये समझ ही नहीं पाता कि लक्षण किस तरह के हैं और लक्षण यहाँ पर सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं हाइपरटेंशन के। तो आप ये बताइए डॉक्टर विवेक कि हाइपरटेंशन के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से पहचाना जा सकता है, एक आम भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो 95% टाइम आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपको ब्लड प्रेशर था। 5-7% चांस ये रहता है कि कुछ ऐसे स्थिति डेवलप हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पैरों में सूजन आ जाना, जैसे पहले कभी सूजन नहीं थी, पैरों में सूजन आना, सांस फूलना, चलने में दम फूलने लग जाना, भारीपन आ जाना, सिर में दर्द होना, कानों में घंटियां बजना, पसीना आना, घबराहट रहना और पेशाब के बदलाव आना, जैसे ज्यादा पेशाब या कम पेशाब होने लग जाना, और इस तरह की स्थितियां अगर रहती है, हेडेक रहना या आंखों का नंबर तेजी से बदलना, किडनी के जैसे फॉर एग्जांपल जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सूजन बहुत जल्दी आने लग जाती है, तो ये सब ऐसे कुछ कारण हैं जो हमें बताते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी सूजन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होना और बदलाव आ जाना, पेट बहुत तेजी से बढ़ना, ये सब एक तरह के सिचुएशन होते हैं, नींद कम आना और पूरे सपने आना, ये वाले जो लक्षण हैं ये भी ब्लड प्रेशर से लिंक करे गए हैं। ठीक है सर, अब क्योंकि आपने तमाम सारी बातों के जवाब बड़ी आसान भाषा में दिए, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों तक ये बातें पहुंचेंगी और इसका ख्याल अब बेहतर ढंग से रख पाएंगे। लेकिन सर एक अंतिम सवाल मेरा है, विश्व हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आपके लिए ये जानना, खासतौर पर दर्शकों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक डॉक्टर की नज़र से आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज क्या होगा सर इस दिन के लिए? 5 चीजें अपनी जरूर चेक कराएं, अपना एक तो नो योर नंबर, अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जरूर चेक कराएं, अपना ब्लड शुगर लेवल्स जरूर चेक कराएं, अपना हाइट वेट के अनुसार BMI जरूर चेक करें। ये 4-5 चीजें WHO रिकमेंड करती है कि आप जरूर चेक कराएं अपना, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, युवा हो और या वृद्ध हो, जिससे आपके अपने शरीर के बारे में कोई अपना आकलन हो सके। सर जब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की और एक बार जब इस वर्ड को सुनते हैं तो आम जनता में और मेरे ख्याल में आप जो लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते उनको यही लगता है कि हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन या फिर स्ट्रेस की वजह से परेशान होना, स्ट्रेस आउट होना। लेकिन हाइपरटेंशन वास्तव में उच्च रक्तचाप की वो स्थिति है जिसकी कम जानकारी ही इसके बढ़ने की वजह है। यदि किसी व्यक्ति में इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे किस समय तक चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग देरी करते हैं लेकिन देरी करने से ज्यादा बड़ी परेशानी लेकर आपके पास पहुंचते हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप जैसे आप बता चुकी हैं, इसके लक्षण आमतौर पर शुरुआती स्टेजेस में दिखाई नहीं पड़ते जी, इसलिए आमतौर पर ये बीमारी को हम नजरअंदाज कर जाते हैं, इसको हम एक तरीके से डिनायल फेस कह लीजिए। लोग कहते हैं नहीं आज BP ज्यादा आ गया होगा, शायद कल हमने कुछ मीठा खा लिया था, घर में कोई लड़ाई हो गई थी, कोई माहौल खराब था, काम ठीक नहीं चल रहा, धूप ज्यादा है, सर्दी कम है, इस कारण से BP बढ़ गया होगा। और हम आमतौर पर चाहते हैं कि हमारा हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस ना ही कोई बनाए ना ही बने, परंतु जैसे अगर आपको हाइपरटेंशन के लक्षण आ रहे हैं जैसे कि सिर दुखना, सिर दर्द होना, आंखों में भारीपन, काम करने का मन ना करना, बारी बारी उल्टी आना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं हाइपरटेंशन के। और यदि ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो इसका मतलब यह आपके शरीर को परेशान कर रही है, आप इसका अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें और अगर रिक्वायरमेंट है तो मेडिसिन ऐड करें। समय पे मेडिसिन लेने से आप हाइपरटेंशन को टाइम से रोक सकते हैं। बिल्कुल अवदीप, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास में अमूमन इस तरह के केसेस हर रोज मेरे ख्याल में आते होंगे,
आप शुरुआती लक्षणों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं, और हर बार जिस तरह से आपने बड़े ठीक एग्जाम्पल्स दिए कि घर पे लड़ाई हो गई किसी वजह से, स्ट्रेस था, पढ़ाई का स्ट्रेस कह लीजिए, घर का स्ट्रेस कह लीजिए, रिलेशनशिप का स्ट्रेस कह लीजिए, लेकिन लक्षणों के आने के बाद में जब इस समस्या को बढ़ता हुआ हम देखते हैं, जब हाइपरटेंशन को बढ़ता हुआ देखते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारे हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं डॉक्टर लद्दीप? देखिए, हाइपरटेंशन क्योंकि एक सिस्टमिक बीमारी है तो ये बॉडी के हर अंग को प्रभावित करती है। इसमें छाती में भारीपन आना, सांस फूलना शुरुआती लक्षण हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। आगे जाके हार्ट अटैक, जिसे कहते हैं अपन दिल का दौरा, या फिर ब्रेन स्ट्रोक, ये आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये किडनी पे प्रभाव डालती है। तो किडनी का नंबर बढ़ जाना, दोनों किडनी एक साथ फेल हो जाना, पेशाब आना बंद हो जाना, शरीर में सूजन आ जाना, सांस फूलना, अन्य इस प्रकार के कई लक्षण मिल सकते हैं। ये लाइफ थ्रेट नहीं हो सकता है यदि हम समय पे इलाज नहीं करें एवं उपरोक्त इलाज ना करें जैसे हमने समझाया आपको, तो इसके जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा कष्टदायी हो सकते हैं शरीर में। सर ये भी बताइए, क्योंकि लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदल चुका है, पहले के लोगों में स्टैमिना ज़्यादा होता था क्योंकि खान पान और लाइफस्टाइल उस तरह का होता था, लेकिन अब हर चीज़ क्योंकि ऑटोमेटिक है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा वर्जिश रहित हो गई है, बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट हो नहीं पाता, क्या ये भी एक वजह हो सकती है हाइपरटेंशन की? बिल्कुल सही बात है, ये सबसे ज़रूरी वजह यही है। आजकल के जो हमारे हाइपरटेंशन बढ़ने के दो ही कारण हैं, एक लोग इन बीमारियों को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक तो हुए ही हैं, तभी हम इनके डायग्नोसिस तक, निदान तक पहुंच पाते हैं। दूसरा, क्योंकि आजकल हम इस प्रकार की शैली में जी रहे हैं जहाँ पे मेंटल और फिजिकल ये स्ट्रेस अलग हो चुका है। मैं सारे दिन एक ही चेयर पे बैठ के शेयर मार्केट देख रहा हूँ, फिजिकल काम तो मैंने कुछ करा नहीं, परंतु मैं थक रहा हूँ मेंटली। तो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस जहाँ पे अलग हुए, वहाँ पे बॉडी के अंदर बिना बात के ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को हाई रखते हैं और हाई बनाए रखते हैं। कोशिश कीजिए हफ्ते में 5-6 दिन आप वॉक करें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे डाइट, यानी कि खान पान, जैसे मैंने आपको समझाया, एक नॉर्मल खाना खाना बुरा नहीं होता है। जैसे कि आप नमक कम कीजिए, भुजिया, नमकीन, पापड़, अचार, तला हुआ, बाहर का खाना, ये खाना जरूरी नहीं है। घर पे बना के स्वादिष्ट अनुवाद आप खा सकते हैं, उसमें कोई हम आपको मना नहीं करेंगे, परंतु तेल, तेल की तलाई, चिकनाई एवं ज्यादा नमक वाला खाना खाना आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्पेशली अगर आपको या आपके परिवार में किसी को हाइपरटेंशन है तो अच्छा नहीं है। सर ये भी बताइए, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्स बताए किस तरह से इससे बचा जा सकता है, लेकिन ये बता दीजिए कि जिस व्यक्ति ने इन सभी पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया, जिसे हाइपरटेंशन अब जनरेट हो गया है, डायग्नोस हो गया है, जो गंभीरता है इस बीमारी की, हाइपरटेंशन की, ये कब तक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे समय में क्या करना चाहिए फिर जब ये बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज में पहुंच गया? हाइपरटेंशन एक लंबी चलने वाली बीमारी है। हम दवाइयों से इसको आमतौर पर एलोपैथिक मेडिसिन से इसको कंट्रोल कर लेते हैं, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। जब भी हम पेशेंट को इग्नोर कर देंगे या पेशेंट खुद को इग्नोर कर देगा या फिर हमारी सलाह को इग्नोर कर देगा, वो दवाइयां नहीं लेगा और कहेगा नहीं मेरे लिए तो 150 ही नॉर्मल रहता है, देखो तो 150 के लक्षण ही नहीं आते, मेरे लिए तो 160-170 पीपी आम बात हो गई है, मेरे को इन दवाइयों की जरूरत नहीं है, तब वो बीमारी जो है वो अपना घर बनाने के बाद उससे जो हमारा घर यानी हमारा शरीर है उसको खराब करना शुरू कर देगी। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और छोटा सा सवाल और हमारे दर्शकों के लिए, आप क्या कहेंगे, क्या सजेशंस आपके हैं, सुझाव क्या होंगे जिन्हें हो गया है या फिर बचा जा सकता है, उनके लिए छोटा सा जवाब इस पर भी। विश्व हाइपरटेंशन डे यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब स्वस्थ रहें, एक अच्छा खान पान अपनाएं यानी कि डाइट, ड्रग्स यानी कि अपने डॉक्टर द्वारा सुझाई हुई दवाइयां टाइम से लें, एक अच्छा व्यायाम करें, अच्छी जीवन शैली अपनाएं एवं अपने साथ वालों को भी प्रोत्साहित करें कि वो भी एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं। फोर्थ नंबर पे एजुकेशन, अपनी बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर से एवं इस बीमारी की जानकारी रखने वालों से बात करें। आप सब स्वस्थ रहेंगे, यही मेरी आपसे दिली शुभकामनाएं। तो देखिए हाइपरटेंशन पर बातों का सिलसिला और सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। डॉक्टर्स के जरिए आप जान सकते हैं कि बीमारी इतनी बड़ी नहीं जितना सोचा जाए, लेकिन नियंत्रण करना कितना जरूरी, सवाल आगे और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले हाइपरटेंशन के लक्षण, कारण और उसकी स्थिति के बारे में, लेकिन अब कुछ और सवाल है जिनके जवाब देंगे डॉक्टर राहुल सिंगल। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या हाइपरटेंशन बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हो गई तो अन्य रोग अगर उसको है और जो उसके अंग है शरीर के, उन पर भी हाइपरटेंशन से प्रभाव पड़ता है? सर हाइपरटेंशन आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इट इज़ अ साइलेंट किलर जी। और जैसा आपने सही बोला कि हाइपरटेंशन की वजह से
काफ़ी लोग ग्रसित हैं, और जिसमें स्टडीज़ के हिसाब से पाया गया है कि आउट ऑफ 100 अगर हम देखें तो केवल 12.5% केस में ही ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर पाते हैं। प्रमुख ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं हाइपरटेंशन से, वो हमारा हार्ट है, जो नॉर्मली ऑलमोस्ट 30-50% इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्ट्रोक जैसे हम सब जानते हैं, पैरालिसिस, स्ट्रोक हो जाना, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो जाना, इम्पॉर्टेंटली अब हमारी आईज रेटिनोपैथी हो जाती है, और इसके साथ साथ किडनी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन से किडनी खराब हो जाती है, क्रोनिक किडनी डिजीज में पेशेंट चला जाता है जिसमें निरंतर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, और बाद में ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती है। लोअर लिम्स हैं बॉडी के, उनमें भी हार्ट प्रेशर जो हाइपरटेंशन का प्रभाव पड़ता है, और वहाँ की नसें भी सिकुड़ जाती हैं। तो जितने भी आप मान के चलें कि शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी, आईज एंड हमारे लोअर लिम्स, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। हाइपरटेंशन मेरे ख्याल में इग्नोर करने की वजह से ज्यादा बढ़ता है, और इनिशियली जब किसी को ये परेशानी होती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसके लक्षणों को समझ व्यक्ति नहीं पाता है और बहुत देरी हो जाती है संभवतः लक्षण समझने में, लेकिन शुरुआत में ही से अगर समझ लिया जाए तो फिर आसानी मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट भी हो जाती है। तो सवाल अगला यही है सर कि हाइपरटेंशन को डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, और इसकी जांच जब की जाती है तो उसमें कौन से फैक्टर्स, क्या क्या जाँचें शामिल होती है इसकी? हाइपरटेंशन के लिए सिम्टम सबसे जानना जरूरी है कि अगर बेहोशी, चक्कर, हाथ पैरों में अत्यधिक पसीना आना, घबराहट का होना, सिर में दर्द होना, छाती में भारीपन होना, सांस फूलना, तो ये प्रमुख लक्षण हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर केवल ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये सारे सिम्टम आ सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, थोड़े बहुत भी सिम्टम्स हों तो तुरंत ही हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। अब ब्लड प्रेशर को कैसे डायग्नोज करते हैं, तो सबसे सरल तरीका है कि हम ब्लड प्रेशर अपना नियमित चेक कराएं। आजकल हम लोग जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो सब बोलते हैं कि जो 40 साल की उम्र के एज के ऊपर निकल गए हैं लोग, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, उनको रूटीन कार्डिक स्क्रीनिंग हर साल कराना चाहिए। आजकल एक तकनीक आ गई है, जैसे हम पहले होल्टर मॉनिटरिंग करते थे ईसीजी को 24 घंटे, 48 घंटे, 7 दिन तक ईसीजी रिकॉर्ड करते थे, तो आजकल ऐसे ही एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी होने लगा है। तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज द मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर, जिसमें एक मशीन होती है जो पेशेंट के साथ रहती है, और उसको हम लगा के पेशेंट को घर भेज सकते हैं। हमने लक्षणों की बात कर ली, इसके प्रभाव की क्या पड़ता है शरीर पर उसकी बात कर ली, इसके बाद इसे कैसे पहचाना जाना है उसकी बात कर ली, लेकिन इसके बारे में उपचार को लेकर के क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं तो ये भी बताइए किस प्रकार की दवाइयाँ इसके लिए प्रयोग में ली जाती है, उपचार जब होता है तो फिर व्यक्ति कितने हद तक आराम पा सकता है इस हाइपरटेंशन की परेशानी से? इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर स्लीप, अपने स्ट्रेस को कम करें, नित्य व्यायाम करें, संतुलित आहार खाएं, नट्स, आमंड्स, वॉलनट खाएं, तो ये तो एक प्रिवेंशन वाला पार्ट हो गया जो इवन ट्रीटमेंट के दौरान भी जरूरी है। फिर आई बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में दे आर लार्ज नंबर ऑफ मेडिकेशंस जो आजकल हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की ओवरऑल प्रोफाइल पर कि पेशेंट यंग है या ओल्ड एज है, या पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम भी साथ में है, या पेशेंट को पहले स्ट्रोक हो चुका है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो चुकी है, या पेशेंट को पहले किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसी के अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। आजकल क्या कॉम्बिनेशन पिल्स आ गई हैं, जिसको हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में सिंगल पिल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो उसमें एक दवाई से ही 3-4 दवाई मिल जाती हैं, तो एक दवाई खाने से ही काफी हद तक बीपी कंट्रोल हो जाता है। तो अगर मरीज नियमित रूप से टाइम पर दवाई खाए तो 80-90% केसेस में हम लोग हाइपरटेंशन से मुक्ति पा सकते हैं। दवाइयों के बाद भी कईयों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तो आजकल एक नई तकनीक आई है जिसको हम रीनल डीनर्वेशन बोलते हैं। तो रीनल डीनर्वेशन एक एबलेशन टेक्निक है जिसमें हम किडनी की आर्टरी के अंदर जो छोटे छोटे नर्व फाइबर्स होते हैं उनको एबलेट कर देते हैं। तो जो मरीज जो 4-5 दवाई के बाद जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था तो वो धीरे धीरे 2 या 3 दवाई पे भी आ जाता है, 1 दवाई पे भी आ जाता है। तो ये एक नई तकनीक आई है जिससे अपन RDN जिसको हम बोलते हैं, उससे हम काफी हद तक ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है सर, क्योंकि आपने सभी सवालों का बड़े ही आसान शब्दों में जवाब दिया और मेरे जो दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं उन्हें भी इससे आसानी होगी। छोटा सा कमेंट भी आपसे चाहूंगी हाइपरटेंशन की समस्या पर, क्योंकि विश्व हाइपरटेंशन डे है, दर्शकों के लिए क्या मैसेज है आपका? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे मेरा मैसेज यही है कि बी अवेयर ऑफ योर सिम्टम्स, डोंट निग्लेक्ट योर सिम्टम्स, गो टू द डॉक्टर, गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड चेक पीरियोडिकली सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स एट अ वेरी अर्ली एज, जिससे कि हम बीमारी का जल्दी मालूम करके उसका निदान पा सकें। हाइपरटेंशन का जो मरीज है उसको कितने समय तक इसकी दवा की आवश्यकता होती है, कब तक वो दवाई ले, कब तक वो मानकर चले कि वो इस मरीज इस बीमारी से अभी भी पीड़ित है या फिर अब वो ठीक हो गया है, ये कैसे पता लगेगा उसे? ब्लड प्रेशर के जो कारण होते हैं वो 95% मरीजों को जेनेटिक कारण होते हैं और लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से वो बढ़ते हैं जी। तो ये मान के चलिए, एक तो अपन को ये देखना चाहिए कि उनको ब्लड प्रेशर है भी या नहीं है। कई बार ये ब्लड प्रेशर होते हैं वो टेम्परेरी होता है, परसिस्टेंट नहीं होता है। तो टेम्परेरी जैसे कई बार स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ जाता है तो जरूरत ही नहीं है दवाई लेने, है ना। कई बार आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आपका ब्लड प्रेशर है, आप ओबेसिटी है, आपका आपका खाना पीना अगर इंसल्ट इंटेक है तो आपको जरूरत नहीं होती है दवाई लेने की जी। तो उसमें आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे तो आपको बीपी नॉर्मल हो जाता है। अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं होता है और बीपी है आपका और बीपी के कोई कारण नहीं है, जैसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, अगर वो कारण नहीं है आपको, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आपको दवाई लेनी चाहिए। जो टारगेट ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रखना है और जो टारगेट ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 130 सिस्टोलिक होना चाहिए जी। और लेस देन 90 मिलीमीटर मर्करी आपका डायस्टोलिक होना चाहिए। तो अपना टारगेट क्लियर है कि आपने इससे बिलो अपन को ब्लड प्रेशर को लेके आना है और उसके लिए कई बार आपको एक या दो मेडिसिन से ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। ये मान के चलिए अगर एक बार ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर का कोई कारण नहीं है और जेनेटिक है तो आपको लाइफ लॉन्ग ही मेडिसिन लेनी पड़ती है जी। और इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए। डॉक्टर राकेश जिंदली जी ये भी बता दीजिए, क्योंकि हर समस्या जो है कहीं ना कहीं दिनचर्या की वजह से शुरू होती है। जो रूटीन होता है किसी भी इंसान का, जो लाइफस्टाइल होती है, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है बीमारियों को जनरेट करने में, बढ़ने में और बढ़ाने में। लेकिन हाइपरटेंशन से प्रभावित जो व्यक्ति है, अगला सवाल मेरा वही है, जो प्रभावित व्यक्ति इस बीमारी से है वो लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव कर सकता है? एज अ डॉक्टर आप क्या सलाह देते हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस की, जिससे हाइपरटेंशन खत्म हो या खत्म भी ना हो सके तो फिर कम हो जाए? लाइफस्टाइल में आपको हेल्दी लाइफस्टाइल आती है। यूजुअली अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दीजिए, आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। लोग कहते हैं कि माइल्ड अल्कोहल चलता है, थोड़ा सा अल्कोहल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल लेने से आपका बीपी बढ़ता है। सिमिलरली आपको अगर ओबेसिटी है, आपको वेट ज्यादा है, तो उसको अगर कम करोगे तो लाइफस्टाइल में डेफिनेटली आपका वजन कम होते ही आपको ब्लड प्रेशर कम होने लग जाएगा और आपको हो सकता है तो आपको दवाई ले रहे हो वो दवाई भी बंद हो जाती है। और मैं कहता हूँ हर मानव को, इवन जो जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनको भी और जिनको ब्लड प्रेशर है उनको भी 7 दिन में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जी। रनिंग, जॉगिंग, है ना, या वॉकिंग, और एटलीस्ट 8 दिन में 30 मिनट्स और 45 मिनट्स तक डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और 5 डेज ए वीक होना चाहिए। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है और एक्सरसाइज करने से आपको काफी हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर है उनको नॉर्मल और नॉर्मल से कम सॉल्ट इनटेक लेना चाहिए, ज्यादा सॉल्ट इनटेक नहीं लेना चाहिए। तो ये देखा गया है और कई ऐसी बीमारियां होती हैं, कई बार आदमी ऐसी दवाइयां लेता है उनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए कोई कोई दवाइयां ऐसी तो नहीं है जिससे ब्लड प्रेशर आपको हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली जो लाइफस्टाइल है, अच्छी लाइफस्टाइल रखोगे जिसके अंदर स्मोकिंग, अल्कोहल और आपकी डाइट बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपने काफी सारे पॉइंट्स हमारे दर्शकों को समझा दिए हैं। लेकिन जो सवाल अगला है बड़ा ही कॉमन सवाल है और मेरे ख्याल में सभी के जहन में आता है कि चलिए समस्या तो आ गई, लेकिन इससे निजात पाने के लिए आप जैसे अनुभवी डॉक्टर जब होते हैं तो एक और सवाल समीरा है कि एक स्वस्थ जीवन शैली और लाइफस्टाइल साथ ही हाइपरटेंशन के प्रबंधन के लिए क्या सुझाव आप हमारे दर्शकों को देंगे? कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर होता है, तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ब्लड प्रेशर कोई सेकेंडरी ब्लड प्रेशर तो नहीं है। जैसे किसी को गुर्दे की बीमारी है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, नेचुरली आपको गुर्दे की ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और ये सब चीजें होती हैं, उनके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आप अपने मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को कंट्रोल करोगे तो आपका बीपी कम हो जाएगा। ओवरऑल आपको सब चीजों का ट्रीटमेंट एक साथ ही करना चाहिए। जैसे सपोज आपको डायबिटीज है तो आप केवल ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो, डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आपका टारगेट है ना, टारगेट ऑर्गन डोनेज को तो आप नहीं करवा रहे हो कंट्रोल।
अल्टीमेटली आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपके साथ जो भी और भी बीमारी है या जो भी आपकी लाइफ रिस्क है, जो भी आपके हार्ट अटैक की वजह से जिसकी रिस्क होती है, उन सब चीजों को आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और ब्लड प्रेशर को एक और मैं आपको बताऊं कि आप ब्लड प्रेशर से डरे नहीं, ब्लड प्रेशर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर को अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो उसको कंट्रोल करें, कैसे भी अपनी दवाइयों से कंट्रोल करें, लाइफ स्टाइल से कंट्रोल करें और उसको मेंटेन करें हमेशा के लिए, करें नहीं इसे, है ना। और कई कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट में नहीं जाए, कई बार एलोपैथी के साथ साथ लोग कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां कुछ चीजें लेते रहते हैं। मैं आपको ये आपके प्रेस में बोलना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन एलोपैथी है, और आजकल ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां आती हैं उनमें बहुत कम साइड इफेक्ट है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट है, डरना नहीं है। आप इसको रेगुलर चेकअप जरूर कराते रहिए, अपनी बीपी आपको कंट्रोल है या नहीं है रेगुलर चेकअप कराते रहिए, डॉक्टर से मैनेज करवाते रहिए, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है और इससे जो आपको ब्लड प्रेशर की वजह से जो नुकसान होते हैं उनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, आपने तमाम सारे सवालों का जवाब दिया और मेरे ख्याल हर एक बिंदु को कवर करने की कोशिश हमने की। उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे हाइपरटेंशन की बीमारी को लेकर, या फिर जो समझ होगी वो और ज़्यादा परिपक्व हुई होगी। और इसी के साथ में अगली बार एक नए टॉपिक के साथ मिलने के वादे के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।